हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ व्लॉग भी। मैं थोड़ा थोड़ा रेडी हूँ, ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है। अभी मेरे को थोड़ा कुछ करना बाकी है, बट मैं जा रही हूँ डॉल्सी को तैयार करने। आज मैं आपको ढाबा पे ले चलूंगी। दिस इज माय डॉल्सी वॉर्ड्रोब। तो उसमें आज मैं सोच रही हूँ उसको क्या पहनाऊँ क्या पहनाऊँ। तो उसको पहनाने के बाद जब मैं निकलती हूँ तो मैं आपको उसके बाद का क्लिप दिखाती हूँ। और ये ढाबा आपको पसंद आने वाला है। बस यहाँ डॉल्सी तैयार हो गई है और से हेलो डॉल्सी, हेलो। और बस हम निकलने वाले हैं। बस ये हमारी बेसमेंट में ये हमारी वरना है, तो बस हम इसमें बैठेंगे और निकलेंगे। एक बात और मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने ब्लॉग्स का ये मेरा पहले बार बनाया है, पता नहीं कैसा बनेगा, बट आप देख। तो बस यार डॉल्सी ना, देखा ना, कैमरे ऑन हुए नहीं ना इनके नाटक चालू हो जाती है। मतलब ये ज्यादा एक्टिव है, मेरे से ज्यादा एक्टिव है। बस हम यहाँ से वीआईपी रोड से निकल रहे हैं। और जब आप बस स्टैंड बस के लिए जाते हो तो फर्स्ट जो आप टर्न लेते हो ना उधर से ही लोगे तो फर्स्ट में ये सेठी ढाबा मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे बहुत बड़ा सा भोपू दिखता है, तो आप पहचान। तो बस इसका ये एंट्री पॉइंट है, आप यहाँ से एंट्री करोगे सेठी ढाबा। वेज नॉन वेज पार्टी हॉल। तो आज तो ट्यूसडे है, तो आज तो हम वेज ही खाने वाले हैं। ओह शिट। तो बस मैं आपको ना अंदर की तरफ लेके चलती हूँ। जैसे ही आप अंदर की तरफ जाओगे ना, क्या ही साउंड, क्या ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ना दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। आप या तो सोफे पे बैठ सकते हो या खाट पे। सबसे पहले मैंने खाट पे ही बैठी कि चलो खाट पे खाएंगे, बट देखो आगे क्या होता है। तो बस यहाँ उसके बाद आप अपने अमिताभ बच्चन से मिले। अभी ना अमिताभ बच्चन के पास जाके दिखाऊंगी एकदम क्लोज अप आपको। लेकिन इधर देखो ना, इस तरह के इतनी अच्छी पेंटिंग की हुई थी। और इधर बहुत सारे जुमले भी लिखे हुए थे, जो जुमले मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये बस ये देखो, मेरे को यहाँ पर ना मस्ती चढ़ रही थी। मैंने सोचा यार चलो अमिताभ बच्चन के ना ये गॉगल्स ही ठीक कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इनके गॉगल्स ठीक कर दिए। बाद में मेरे को बड़ा हंसी आ रहा था यार, क्या ही कर दिया मतलब मैंने। ना दूसरे साइड पे ना आपको ये मिलेगी पत्नी को समझाने वाली किताब। तो मैंने सोचा इस पे लिख देती हूँ कि अभी तक जो कि नहीं मिली है। तो मतलब मेरे को हंसी आ रही थी यार, मतलब बंदर के हाथ में पत्नी को समझाने वाली किताब। तो मैंने सोचा लिख ही देती हूँ। एक्चुअली इस पे आप लिख नहीं सकते हो, बस मैं एक्टिंग कर रही थी कि मैंने लिखा है। बस इसके बाद ना हमने डिसाइड किया कि चलो खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने के लिए ना मैंने सोचा फिर हम लोग खाट पे नहीं बैठे यार। खाट पे ना वन पीस के साथ बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। सबने ना अभी ऑर्डर कर दिया है अपना डिनर। अभी देखो आज ना ट्यूजडे है, तो हम नॉन वेज तो खा नहीं सकते, इसलिए हमने खाना पड़ेगा वेज। तो आज हम वेज ट्राई कर रहे हैं और फिर एक बार आएंगे आपके लिए यहाँ पे नॉन वेज ट्राई करने, फिर नॉन वेज कैसा है वेट कर, जिसको नॉन वेज पसंद है और देख के खा के बताते हैं कि वेट कैसा है। और अनदर साइड पे ये डॉल्सी का चल रहा था बिल्डिंग, मेकिंग बिल्डिंग विद ग्लास। तो इस तरह से, और मैंने कहा यार चलो तब तक कुछ फोटोज ले लेते हैं, जब तक खाना ऑर्डर कर दिया आ रहा है तो चलो कुछ फोटोज ले लेते हैं। तो इसके बाद हमने कुछ अपनी फोटोज ली, चलो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो इस तरह से कुछ फोटोज ली और
खाने का फ्रेंड्स कुछ ऐसा था कि ना अगर हमने सिर्फ ऑर्डर में ना ये किया था, जैसे एक पनीर की सब्जी ऑर्डर की थी, पनीर टिक्कल बटर मसाला था, तो वो एक पनीर की सब्जी हमने ऑर्डर की थी और पराठे ऑर्डर किए थे, मीन्स नान ऑर्डर किया था। तो जैसे इतना में, जितना क्वांटिटी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इतने क्वांटिटी में ना एक सब्जी में दो आदमी ना आराम से बहुत ही इजीली नहीं खा सकते हो आप। तो ना यहाँ पे आपको ना एक दाल ऑर्डर करने पड़ेगा, क्योंकि हम दाल ऑर्डर नहीं करते हैं, मतलब हमें बाहर जाके मतलब दाल ऑर्डर करके खाना पसंद नहीं है, हम नान के साथ सब्जी ज़्यादा कम्फर्टेबली पसंद करते हैं। तो बट नॉर्थ में तो दाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दाल लोग करते ही हैं, तो उसके अगर दाल आप ऑर्डर कर रहे हो तब ये मोर देन एनफ है, बहुत ज्यादा है। अगर सिर्फ सब्जी के साथ आप कर रहे हो ना तो आपको कुछ और भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट में आप देखो यहाँ पे बहुत सारे जुमले लिखे हुए थे, जैसे सेठों के सेठ 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 बाकी सब फोटो स्टेट, और इस तरह से यहाँ पे ना बहुत सारे जुमले लिखे हुए थे, मतलब पढ़ के भी आपको हंसी आएगी, मतलब पति को ढील मत दो ऐसा करके कुछ इस तरह का जुमले लिखे हुए थे। फिर ये यहाँ का ना बहुत ही मतलब आई कैचिंग कह सकते हो ये प्लेस था, जहाँ पे ट्रक का मतलब बना हुआ था ये, तो हमने कुछ यहाँ फोटोज ली, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये रियली बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। सो गाइस देखो यहाँ पे ना ट्रक का सो खाना कैसा था और जो भी था वो मैं बताती हूँ, खाना अच्छा था और भी कुछ डिटेल मैं वीडियो के बीच में दे दूंगी, तो आप देख रहे हो अभी हम लोग जा रहे हैं, डिनर कर लिया है, बट यहाँ पे कुछ मीठा मिला ही नहीं, गुलाब जामुन भी नहीं था, बस आइसक्रीम था, तो आइसक्रीम तो मैं घर पे खा के आई थी इसलिए मैंने लिया नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, दोबारा आऊँगी यहाँ पे, फिर बताती हूँ कि कैसा लगा नॉन वेज मुझे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओ माय गॉड व्हाट द ऑसम, बारिश भी हो रही है और बहुत दिनों के बाद मौसम यहाँ सही होते हुए सारी दुनिया में बारिश हो रही है। फोर नगर जाए बस।